माय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। शिवाना को वॉकर में डाला और वो कहाँ पहुंची हुई है। व्हाट आर यू डूइंग शिवाना, कम है बेबी, इधर आ जाओ। उसको ना उस पर चाबी लटकी हुई है, उससे मजा आ रहा है। एंड ऑस्टिन इज आल्सो हियर। हेलो ऑस्टिन। गाइस मैं इसको अपने पीछे बुलाऊंगी। शिवानू चलो आओ मम्मा पास। कहाँ चले गए? इधर है मम्मा, इधर है। हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से और सब कुछ हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, सब कुछ कर लिया हमने। कुछ काम है नहीं करने को क्योंकि आजकल कपड़े वगैरह भी मेड ही डाल देती है छत पे। वैसे आज मेड आई नहीं है, तो कल हमने ज़्यादा बर्तन वर्तन भी नहीं करे, सब कुछ खुद ही कर लिया, डिस्पोजेबल्स में खा लिया क्योंकि सब दोस्त यार थे, वरना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं फिर धोने में प्रॉब्लम होती है। और बस सुबह मैं पानी वानी भर के सोया हूँ, 6:30 बजे सोया हूँ। विशाली सो गई थी 5 बजे और उसके बाद हम लोग ऐसा सोए हैं तगड़ा भाई साहब की कोई हिसाब नहीं है। अभी ऑस्टिन देख लो यहाँ पर मजे ले रहा है, इसका बस यही काम है रोज़, ये दोपहर में यही सोता है। इसको पता नहीं हॉल बहुत कूल लगता है इसलिए ये सोता रहता है। और आज है संडे, कल मंडे है, कल से फिर ऑफिस, यानी ये 3 दिन का एक लंबा वीकेंड था हमारा। हम जा सकते थे बट इस बार नहीं कहीं पे जा पाए क्योंकि मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं हिमाचल घूमने फिरने के लिए, तो ऑस्टिन को हम कहीं छोड़ नहीं पा रहे थे। मतलब हमने पहली बात तो ये है कि हमने कुछ प्लान ही नहीं किया था जाने का, बट स्पॉन्टेनियस प्लान हमारे बन जाते हैं, बट वो इसलिए नहीं बने क्योंकि ऑस्टिन को हम छोड़ नहीं पाते। अब देखते हैं, आज भी एक थोड़ा सा दिन अभी बचा हुआ है, कहीं बाहर निकलें आसपास वॉक, मतलब एक राइड पे थोड़ा घूमने के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, ड्राइव पे आई एम सॉरी, क्योंकि शिवाना को हम कोशिश करते हैं शाम को एक बार घुमाए ले जाकर। और 2 दिन से हमारे ही घर पे सब आए हुए थे इसलिए हम निकले नहीं कहीं पे, तो लेट्स सी क्या होता है। अब फिलहाल आलस फिर से आ चुका है, थोड़ा सा टीवी भी देखेंगे, हो सकता है दोपहर की नैप ले लें हम लोग फिर से, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी विशाली शिवाना को सुला रही है अंदर और मेरे को भी अभी फ़ोन किया उसने, और उसने मुझे बोला 2 प्याज छील दो और 5 आलू काट दो, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो जी बीवी का हुक्म सराखों पे कर दिए। क्या हमारा बेवकूफ बनाता है हमें, नींद के लिए इतना रोती है और सिर्फ 5-10 मिनट सोती है। ऐसा रोना शुरू करती है कि जैसे पता नहीं भाई कौन सी आफत आ गई हो। और अब देख लो बाहर आ गई है विशाली इसको लेके, ये अब ये तानपुरा लेके बैठ गई अपना। सो गाइस मुझे ना चस्का लग गया OTG चलाने का, तो अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ नई चीज। सो लेट मी जस्ट डू इट एंड देन, मतलब लेट मी जस्ट डू एंड शो यू। सो गाइस मैंने ये आलू अच्छे से धो लिए हैं और इनको काट लिए, इनके छिलके को अच्छे से वॉश करना है क्योंकि हम ऐसे खाएंगे। अब मैं इनको बारी बारी ऐसे लगा दूंगी इसमें, देख लीजिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, नमक, मिर्च, ओरिगानो ये सब चीज़ें डाली हैं, आप अपने हिसाब की चीज़ें भी डाल सकते हैं। सो गाइस मैंने इसको 250 डिग्री पे आधे घंटे के लिए रख दिया है, देख लूँगी अगर मुझे लगेगा कि हो गया तो मैं शायद बीच में स्टॉप भी कर दूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट तब बताऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगा। अभी मैंने ये रख दिया है इसके अंदर, और ये प्री हीटेड ओवन था, मैंने पहले 15 मिनट के लिए इसको गर्म कर लिया था। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता शिवानू, यू कैन नॉट बी माई चाइल्ड, यू कैन नॉट बी माई चाइल्ड, आई डिनाय, आर यू माइन, हटाओ बेबी, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, हटाओ इसे। अब लगे आप पूरे डैडा का बेबी, सीरियसली ये जो मेरी बेबी है ना, ये भी तो मम्मा की बेबी है जो छोटी रहती है। ये मम्मा की बेबी क्यों छोटी है ना, देखो इसको प्यार करने आओ ना तो ये इतना मचल जाता है।
तो गाइज मैं और शिवानी यहाँ बैठे हूँ और विशाली नैप ले रही है क्योंकि एज यूजुअल शिवाना हमें पागल बनाती, मैंने बताया था, तो दोबारा शिवाना को सुलाने की कोशिश करी थी ताकि हम लोग थोड़ा सा सो लें, लेकिन शिवाना सोई नहीं, तो थोड़ी देर मैं बाहर ऐसे लेट गया 10-15 मिनट आके बंद करके, अभी विशाली लेटी हुई है। और अभी तक का तो कोई प्लान नहीं है, बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, फैमिली टाइम। गाइज ये बने मेरे बटर वेजेस जिसमें मैं डालूंगी पार्मेसान चीज ऊपर से, और एक खुले तो। ओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या दे दिया, सम पोटैटो वेजेस, वाह वाह वाह, जब आप बड़े होगे ना क्या क्या खाओगे आप उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गाइस मैंने इतने सारे पोटैटो वेजेस बनाए, आप कह रहे और मत बना, इतने अच्छे लगे आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर ज्यादा बनाते। यहाँ पे लेटा है शिवानु, वी आर रेडी टू गो नानीज हाउस, व्हाट वेयर एल्स डू वी गो। और एक और चीज दिखाऊं, ये देखो मेरी बेबी कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, ये वो वहां से मंगाया था ना, मीशो मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मेरे मतलब काफी लोगों का अच्छा नहीं रहता, बट एज ऑफ नाउ मेरा और मानशु का दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मीशो से, सो आई काइंड ऑफ लाइकिंग दिस। नाइस नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स टाइम बहुत हो गया था, फैमिली टाइम है, और ये मेरा बच्चा देखो, शूज, वाओ वाओ, बताऊं आप इसकी फोटोज ले लो। ओके चाहरी की बारी आज शिवानु को गोदी में लेने की, मेरी बैगी क्या कर ले इसको, बात कर इससे कैसी है, थोड़े देर में ये इसको बोल ले लेगी, ये देख लो शिवाना की सिस्टर, दी चेरू की सिस्टर, यही है टेलर के पास है ना, और चेरू भी हमारे साथ आ गया है। बुआ को बोलो आप अच्छे नहीं लग रहे, बोलो बोलो अच्छे नहीं, बोलो नहीं अच्छे लग रहे, बुआ को बोलो अच्छे नहीं लग रहे, कह रही अच्छे तो लग रहे हैं, अच्छी लग रही बुआ, अभी बुआ बेटा अभी बुआ के भाव बढ़ जाएंगे। हाय गाइस, हेलो हेलो गाइस, बता दो कहाँ हुए हम, तो कहीं ये जीजू, ये दादी, ये जीजू, ये मम्मा पापा, कहाँ हुए आप लोग, आप कहाँ हैं, चलो धीरे-धीरे करो, हमारे ये गोरीपुरी, गोरीपुरी छोपा लगाया, छोपा बोलो, मैं न्यू स्कूल में जाने लग गई, स्कूल में आ रहे हैं, न्यू स्कूल में आ रहे हैं, और मेरे फ्रेंड भी बन गए, नाम भी बताया, हां हम फ्रेंड में बन गए, तो कोई बुआ बुआ सर है, मैंने इनको बोला हाय, हां और बुआ से है, चलो मैं तो यार बुआ से है, हाय हेलो बोल, वेलकम बैक टू माय चैनल, जाते शिवाना दे दे, शिवाना दे दे, दे दे मेरे को, दे दे, दे दे मेरे को, दे दे। So on the spot हम लोगों ने बना लिया प्रोग्राम यहाँ पे चिकन बनाने का, घर में बात चल रही थी बाहर से मंगाने की, बट एज यूजुअल कल हमने बाहर का खाया वो बहुत ही बेकार था, तो हमने कहा कि इतने पैसे फालतू बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ज़्यादा बना लें, तो हम घर पे बनाएंगे, होली वाली यादें ताज़ा करेंगे। अच्छा खाना बनाने का राज ना ये है, रेली देखो चांद, रेली मैं कह रहा हूँ छठी मंजिल में चढ़के को बना रही है, इधर तो क्या चली डैडी चिकन घर पे बना रहे हैं भैया, बाहर का हमने नहीं खाना है ना, ओए ओए भाई साहब बाहर तो कभी नहीं बन सकता ऐसा, अरे बाहर का कल मंगाया इतना बेकार, तू एक काम कर रेडी लगवा दूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अभी हाथ ही डाला है, अच्छा भाभी ने बनाया, हमने किया जिसमें
किया। अरे क्रेडिट लो बल्कि। यहाँ पे आ गया है ग्रेवी, ग्रेवी चिकन और चावल। बताइए बताइए कैसा बनाया आपने? मस्त बनाया। कल की ग्रेवी आज पूरी हो गई। हाँ कल बाहर से मंगाया था, अच्छा नहीं था ना। एक सीधी वीडियो बनाना। अब आके चिकन खा के हम लोग ड्राइव पे आ गए हैं और ये सेवानुस हो गया। इसको ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे, ये लाइट्स वगैरह देखती रहती है, इसलिए हम निकल जाते हैं। तो अब कल से ऑफिस है इसलिए मन भी कर रहा है कि थोड़ा सा घूम ले भाई, तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं। थोड़ा सा घूमेंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। और प्लस जब तक मौसम अच्छा है तब तक घूम भी पा रहे हैं रात को, है ना? क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मई जून जुलाई में रात को भी गर्मी हो जाएगी, है ना? गाड़ी में बैठते ही एसी। हाँ फिर वो अच्छा भी नहीं रहेगा। अभी नेचुरल हवा में थोड़ा सिवाना को भी ठीक रहता है, वरना एसी चलाएंगे एकदम से एसी पकड़ेगा इसको। तो थोड़ा सा घूम लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अंकल को याद आ गया ये। अंकल कह रहे भूखा कुत्ता आया हुआ है। एक मैं भी ले लेता हूँ अपनी पसंद की। यार एक तो ना मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं कौन सी खाऊं। पता ही नहीं चलता अंकल कौन सी खाऊं, समझ नहीं आ रही। चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाता मैं। पाई विशाली हंस रही है। चॉकलेट नहीं खरीदी जा रही, मतलब आइसक्रीम नहीं ली जा रही। ये क्या है? ये वो है क्या? स्ट्रॉबेरी। ओह स्ट्रॉबेरी संडे है, यही खाना पड़ेगा लग रहा है। दे दो ये दे दो भाई, यही दे दो, कोई नहीं। देख लो अंकल कह रहे हैं मैं कैश लूंगा। मैं पेट अंकल ने कितने कह रहा मैं कैश लेता हूँ, स्कैनर अंदर लगा रखा फ्रिज में छुपा के। गाइस वो अकेले मम्मी के कमरे में चली गई है। गाइस वो अकेले मम्मी के कमरे में चली गई है। ऑस्टी लेके आओ दीदी को। शिवानु कहाँ चले गए आप अकेले? दीदी को लेके आओ। दीदी कहाँ चली गई? कहाँ है दीदी? ऑस्टी की दीदी कहाँ है? दीदी इतनी दूर कैसे चले गए आप अपने आप? मम्मा ने रखे बिना इतनी दूरी दूरी नहीं जाते। चलो आओ, चलो बुला रहा। आओ आओ। ओए कहाँ? चलो चलो ऑस्टी, चलो डाटा पास, चलो आ जाओ, चलो चलो भागो 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 भागो। अरे वो देखो दीदी क्रैश होती रहती है। दीदी चलो डाटा पास, जाओ दीदी को लाओ। ये जो शिवाना की माँ चाहती थी ना कि बच्चा मेरा चलने लग जाए, गोदी में ना चढ़े, वो देख लो हिसाब देख लो, सब सामान आने लग गया अब हाथ में, पूरा वाईफाई खींच रही है। ये देखो मुंह में डाल रही है वायर। बेटा नो नो शिवाना नो, ये नहीं लेना आपने। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। मैं इसको पीछे करूंगा ये फिर वहीं जाए, ये देखना फिर जाएगी। देखो रो रही है ना, चिढ़ रही है। सो गाइस आ गए हैं व्लॉग के एंड की तरफ। तो व्लॉग के एंड की तरफ में होती है गुड बाय, तो गुड बाय हो गई है। बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, जल्दी से 10K कर दीजिए, 8K होने वाले हैं। लेकिन हमारे जो मंजिल है वो यहीं तक की नहीं है, बहुत लंबी है। तो फटाफट करिए सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो गाइस चेरी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो वो चाह रही थी कि मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप डालूं व्लॉग में, तो बस एंजॉय कीजिए। जोर से बोलो, हेलो गाइस कर दे। मेरी बैग पकड़ो, आए कर दो, आए कर दे, आए कर दे। हाय